So government has recently imposed a penalty on few educational institutions, coaching institutions, जिसमें कि वो false advertising करके they were making it a business basically. How does a student or an aspirant navigate through these institutes? मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, कैसे पता लगेगा? This false advertising thing has been there for a while. जब मैं aspirant था तब भी ये होता था. अब thankfully somebody has done something about it. I think it's a welcome move. The industry must be regulated, has to be regulated. It is very important to understand that कोई भी इंस्टीट्यूट claim नहीं कर सकता कि इतने सारे स्टूडेंट्स सेम स्टूडेंट्स उनकी वजह से क्लियर कर रहे हैं. इस चीज़ को नेविगेट करने के लिए द स्टूडेंट्स द एस्पिरेंट्स नीड टू गेट स्मार्टर एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि किस ट्रिक को यूज़ किया जा रहा है. द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड दिस अनरेगुलेटेड कोचिंग इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली क्वाइट लार्ज. प्रॉब्लम इज डीपर देन जस्ट दिस पर्टिकुलर इशू जो अभी हाईलाइट हो गया है. एक चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है, सक्सेस रेशियो, द इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर, द इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर द स्टूडेंट टू जज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल जो उसमें से सिलेक्ट हो रहे हैं, झूठ हो या सच हो. द एक्चुअल नंबर दैट इज इम्पॉर्टेंट इज सक्सेस रेशियो, कितने आए वर्सेस कितने हुए, वो रेशियो क्या है. हमको पता है कि यूपीएससी का सक्सेस रेशियो 0.001% है. अब ये सक्सेस रेशियो कोई भी रिवील नहीं करना चाहेगा. नो कोचिंग इंस्टीट्यूट विल वांट टू रिवील इट बिकॉज हम पाएंगे कि सक्सेस रेशियो में कोई डिफरेंस ही नहीं है. This is the biggest thing which needs to be exposed. There is no major difference in the success ratio from institute to institute. अगर success ratio में फ़र्क ही नहीं है और larger population का success ratio भी वही है जो coaching institute का है, तो फिर coaching institute जाने का फ़ायदा क्या हुआ? Because of this fundamental question, they will not reveal it. This is the thing which one needs to know, but one needs to be conscious of. The other very important thing, and this is, you know, a trick of statistics. ये statistical trick है जो marketing में misuse हो जाती है. कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन. कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन का मतलब अगर दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं उसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉज कर रही है. कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि स्टूडेंट्स उनकी वजह से सिलेक्ट हुए, यही दिखाना चाह रहे हैं वो. हो सकता है कि स्टूडेंट्स वहाँ गए हों, हो सकता है कि उन्होंने किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर द कॉज ऑफ द सिलेक्शन. अगर मान लीजिए जब भी बारिश होती है तो आपका पेट, आपका डॉग भौंकना स्टार्ट करता है, वो बारिश को डिटेक्ट कर लेता है शायद. जब बारिश होती है आपका डॉग बार्क करना स्टार्ट कर देता है. डज इट मीन दैट योर डॉग इज कॉजिंग द रेन? नो, राइट? देयर इज अ कोरिलेशन बट देयर इज नो कॉजेशन. द एक्चुअल थिंग दैट इज हैपनिंग इज दैट जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं वो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जा रहे हैं बिकॉज इट हैज़ बिकम अ राइट ऑफ पैसेज. टेस्ट सीरीज करनी ही है सबको, अल्टीमेटली हर किसी को कुछ ना कुछ काम पढ़ ही जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता है. वो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट आ रहा है. इट डज नॉट मीन द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज कॉजिंग द रिजल्ट टू हैपन. हम यही पाते हैं. अब मेरे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं यही देखता हूँ, पूरी वैरायटी है स्टूडेंट्स की, पूरा स्पेक्ट्रम है. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता ही नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है उसका. लास्ट ईयर आई हैड Akanksha ranked 205, never went to a coaching institute, not even for a test series. I have people who've been through all coaching institutes. The critical factor was that they were motivated. अब ये self motivated लोग जहाँ चले जाएंगे वहाँ इनका selection हो ही जाएगा. But जहाँ ये जा रहे हैं उन लोगों को कोई ऐसा हक नहीं है कि वो claim करें कि उन्होंने इनके success में contribute करा है या बहुत ज़्यादा contribute करा है. ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है. I think that is the biggest untold secret in this entire coaching industry. अब स्टूडेंट कैसे नेविगेट करे इसको? What do you do about this situation? Number one, the first fundamental question to ask is, do you need coaching? कोचिंग चाहिए भी कि नहीं? In order to answer that question, you need to investigate. हमारी गट इंस्टिंक्ट ये होती है, हमारी रिएक्शन ये होती है कि अगर हम कंफ्यूजन फेस करते हैं इमीडिएटली हमको लगता है हमारे फ्यूचर का सवाल है, लेट अस आस्क द प्रोफेशनल्स. द प्रोफेशनल्स आर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. हम घूम फिर के उन्हीं पे जो है वी अप्रोच देम फॉर गाइडेंस. अब वॉट डज गाइडेंस मीन? लोग इसको अनपैक नहीं करते. टेक अ वाइल. देर इज अ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, यूज इट, अंडरस्टैंड इफ देर इज इवन रिक्वायरमेंट फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और नॉट. दैट इज मोर देन इनफ टू टेल यू. एंड इफ नॉट देन यू कैन कंटिन्यू एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रोग्रेशन ऑफ योर प्रेपरेशन थ्रू दैट प्रोग्राम. इफ यू रिक्वायर कोचिंग इंस्टीट्यूट, द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इज, वॉट डू यू नीड इट फॉर? क्या मुझे कॉन्टेंट की जरूरत है? क्या मुझे इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? कि मुझे गाइडेंस, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, मेंटरशिप की ज़रूरत है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें नहीं करते, और अगर करते हैं तो द अदर थिंग इज मोस्टली इग्नोर्ड। मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल गिव कंटेंट, गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट देते हैं ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। उनका फोकस होता है इन्फॉर्मेशन पे, बेटर टीचर्स, बेटर कंटेंट, बेटर नोट्स एटसेट्रा। द इशू नाउ इज दैट कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यू कैन गेट कंटेंट प्रीटी मच एवरीवेयर and you can get decent quality content everywhere. In fact, I think most of it you can get for free. That is the fact. That is another unexposed thing about the industry. Most of the good content is actually free and one does not necessarily need to pay for it anymore. जब हम उनके पास जाते हैं, we should know क्या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई पढ़ाए, समझाए, ठीक है, then it makes sense, no problem there. कि क्या मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मेरे पे अकाउंटेबिलिटी रखे, कोई मुझे बताए whether I am going on the right track or not. This is a different thing. You can call this mentorship, you can call this guidance, you can call this accountability, whatever you want to call it, but there it is not content. You should be clear about what your needs are. Approach them for that particular need. What I do in my mentorship is I am very clear and honest with my students. So my mechanism of feedback is very numerical. I know exactly where the student is and I let them know. You know, I do not keep them in the dark. They always know where they are. दे नो अब क्या वो एग्ज़ाम को क्रैक करने के पाथ पे चल रहे हैं, बाकी लोगों के मुकाबले में कम्पेटिटिव हैं, नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो कैसे होंगे वो। अगर आपको वो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है गाइडेंस में, इफ़ यू हैव वेरी क्लियर डायग्नोस्टिक्स, क्लियर नंबर्स, क्लियर फीडबैक कमिंग पीरियडिकली, इट इज़ वर्थ इट, अदरवाइज इट इज़ जस्ट कॉन्टेंट। दैट वुड बी माई एडवाइस। दीज आर थिंक आर द वेरी सम वेरी इंपॉर्टेंट अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ द इंडस्ट्री। इनको अनपैक करना ज़रूरी है। आई एम ग्लैड दिस डिबेट हैज स्टार्टेड। मैं चाह रहा हूँ कि ये, आई थिंक इट शुड रीच अ सर्टन पिच वेयर द इंटायर इंडस्ट्री बिकम्स मच मोर डिसिप्लिन्ड। सो येस, दैट वुड बी माई एडवाइस।